देखिए कितना अच्छा खासा टूटा हुआ है, और जैसे ही मैंने इसको खोला अंदर एक वार्सल मिसिंग है। ये वाली वार्सल कुछ इसमें निकली है और ये वाली वार्सल इसमें नहीं होती है। फ्रेंड ये वार्सल इसमें होती है तो नहीं? अभी मेरे पास आई है ड्यूक 200, अभी टो करके लाए इसको, तो बाकी देखते हैं क्या है क्या दिक्कत। और काफी लंबी चौड़ी स्टोरी है, काफी भाई परेशान भी लग रहे हैं इनको। तो मथुरा के अंदर खराब हो गई थी, बाकी पूरी बात करेंगे भाई से, अब रात काफी हो गई है। तो पहले तो बाइक को उतारते नहीं, चलो लेके वर्कशॉप के अंदर और फिर देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं, और जो भी इनकी स्टोरी है बाकी भाई से बात करें। भैया के पास आया बहुत गर्मी है, इसलिए मतलब सर्विस सेंटर पे लेकिन अब यहीं आया है, अंधा भरोसा। देखो ना भाई, भाइयों को इतना प्यार है और इतना भरोसा है, तो चलिए बाइक को उतारते हैं फिर देखते क्या दिक्कत। तो बाइक को नीचे उतार लिया, तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं आखिर इसमें क्या दिक्कत है। हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरिंग, दोस्तों स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको बाइक नजर आ रही है, ड्यूक 200, और आप देख रहे हो उसका जो है इंजन खुल चुका है। तो बात करते हैं कुछ टाइम पहले की, जैसे कि हमारे पास हुई थी ये भाई जो हमारे पास पहले बाइक लेके आए थे, जब इंजन खुलने से पहले की बात बता रहा हूँ, कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। ये भाई जब हमारे पास बाइक लेके आए थे तो हमने इनके इंजन को, इंजन का मतलब साउंड सुना था, तो हमने इनको कहा था कि आपके ना इंजन के अंदर दिक्कत है, इसके इंजन का काम करा लेना। लेकिन ये भाई ने नहीं कराया। 2-4 महीने के बाद बाइक को जो है राइड पे लेके गए थे लंबा, और अचानक से जो है इनकी बाइक बंद हो गई। तो इन्होंने क्या करा, नियर बाय जो मैकेनिक थे वहां पे दिखाया, और उन्होंने कहा मैकेनिक के भाई इस बाइक में टाइम लगेगा और गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी। और ये जो भाई हैं ये हैं दिल्ली के, हमें बाइक को छोड़ के आ चुके थे। फिर उन्होंने क्या करा, अपने तरीके से मतलब उन्होंने चेक किया कि कोई स्पार्क प्लग या करंट वगैरह की दिक्कत है, और फिर उन्होंने बोला कि इसको ना इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाना पड़ेगा और वो चेक करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो कम से कम उन्होंने 4-5 दिन लगा दिए। फिर उनके पास फोन किया, और ये जब गए उनके पास तो उन्होंने बोला भाई ये बाइक हमसे नहीं होगी, इसको आप सर्विस सेंटर ले जाओ। फिर इन्होंने हमसे बात करी कि भाई ऐसे से बात है, ये सब दिक्कतें हो रही है मेरी बाइक के साथ। तो हमने इनसे ये कहा कि भाई आप ऐसा करो, जब आप गाड़ी ठीक नहीं हो रही है तो आप इसको टेम्पो में लोड कर लो, ट्रेन में लोड कर लो, जैसे मर्जी हमारी वर्कशॉप पर बाइक लेके आ जाओ, उसके बाद हम आपकी बाइक को एकदम ठीक कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इंजन खोल के रखा हुआ है हमने, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके इंजन में दिक्कत थी, इनको करा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया इंजन को कि चलो कोई नहीं चल रहा है, इंजन ऑयल टॉप अप कर करके चलाते रहेंगे। तो दोस्तों फटाफट से करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करें। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये देखो ये ना काफी टाइम से इसका इंजन खोल दिया था, तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। तो एक बार आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो बढ़िया करके इसकी क्लीनिंग हो गई है, क्योंकि अब जो है इंजन फिट होने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो गियर बॉक्स को भी अलग कर रखा है, बढ़िया करके यहाँ पे क्लीन किया है, तो गियर बॉक्स की भी पूरी सेटिंग होगी, तो उसके बाद ही फिट होगा। और बात करते हैं इसकी बैलेंस शाफ्ट की, जैसे कि आपको नजर आ रही है, ठीक है ये देख रहे हो। और मैं हर इंजन के अंदर हमेशा सबको ये कहता हूँ, दोस्तों जब भी आप इंजन का काम कराते हो ना, तो अपनी बाइक के अंदर ना वाटर पंप की सील जरूर चेंज करा ले। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको पता होना चाहिए कि वो इंजन कराते वक्त चेंज करना चाहिए। अगर वो पार्ट, छोटे मोटे पार्ट अगर आप इंजन चेंज करते वक्त नहीं करते हो, तो इन फ्यूचर फिर से आपके इंजन में जो है दिक्कत धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इसके पुराने पार्ट्स की, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ पुराने पार्ट्स रखे हुए हैं, तो ये देखो ये क्लच प्लेट वगैरह है, इंजन ऑयल कमी की वजह से यहाँ पे जो है क्लच प्लेटें खत्म हुई पड़ी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अगर ये पहले काम करा लेते तो शायद हेड और सिलेंडर किट के अंदर ही काम था, लेकिन इन्होंने क्या करा, इंजन ऑयल टॉप अप कर करके और लंबी लंबी राइडों पे जाके, जैसे कि इनके साथ जो धोखा हो गया, मतलब अचानक से चलते चलते गाड़ी में स्टार्ट ही नहीं हुई, और 4-5 दिन वो यूपी में ही परेशान रहे इसकी वजह से, बाइक स्टार्ट ना होने की वजह से, तो फाइनली हमारे पास आ गए। तो हमने इनको पूरे का पूरा चेक कराया, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये है इसकी हेड पैकिंग, ये देखिए यहाँ पे हेड पैकिंग देख रहे हो आप, ये देखो तो इसकी भी कोटिंग जगह जगह से उतर गई। अब दिखाओ भाई पिस्टन, ये देखो पिस्टन काफी ज्यादा सीध हो गया एक्टर, ये तो है ना। तो बहुत सारे दोस्तों क्या करते हैं, ऑयली टॉप अप कर करके चलाने का नतीजा ये होता है, सिलेंडर किट के साथ साथ हेड के अंदर भी निशान आते हैं रॉकर कैम वगैरह पे, और साथ में जो मैन होता है क्रैंक असेंबली उसके अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दिखाना इसमें दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट RS 200 के ऊपर इंजन के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसकी बहुत ज्यादा साइड प्ले थी, और देखो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा साइड प्ले है। अगर ये साइड प्ले ज्यादा है तो बाइक स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, और काफी बार तो बाइक जो है स्टार्ट ही नहीं होती। तो ज्यादा साइड प्ले है तो इसका मतलब जो बाइक है आपकी स्टार्ट ही नहीं हो सकती, तो एक मेन रीजन ये था बाइक ना स्टार्ट होने का। और वहाँ पे जो मैकेनिक थे वो इलेक्ट्रिशियन के चक्कर काट रहे थे, और स्पार्क प्लग डाल देना, एसटी कॉइल डाल देना, तो वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर कर रहे थे, और मेन जड़ तो यहाँ पे है क्रैंक असेंबली में। अगर क्रैंक असेंबली में बहुत ज्यादा प्ले तो बाइक आपकी स्टार्ट हो ही नहीं सकती, फिर आप कुछ भी करते रहो। और हाँ दोस्तों, मुझे RS 200 में लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि इसकी जो साइड प्ले है भैया वो चल सकती है, तो मैं भाई एक चीज आपको बता दूं, देखो इसके अंदर भी वही साइड प्ले, सेम RS के अंदर भी वही साइड प्ले थी, लेकिन मैंने उसमें आपको खोल के नहीं दिखाया था, इस वाले क्रैंक में खोल के जरूर दिखाऊंगा कि अगर इतनी साइड प्ले है और मैं चलने देता दिक्कतें आने लगती इंजन के अंदर अलग अलग। तो ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, देखो क्यों नहीं चलने देता मैं ज्यादा साइड प्ले, क्योंकि दोस्तों मैं और मैकेनिकों की तरह काम नहीं करना चाहता कि बार बार आप डेली चक्कर मारो, 2-4 दिन बाद, महीने बाद चक्कर लगाते रहो वर्कशॉप के। मेरा काम है वन टाइम का, एक बार काम अच्छा हो जाए
तो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा है कि बार बार चक्कर लगाने से अच्छा है कि एक बार में ही प्रॉब्लम जो है वो आपकी पकड़ ली जाए और उसे ठीक कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको क्रैंक दिखाता हूँ और क्रैंक की जो है साइड प्ले दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये नई क्रैंक है, हम ये वाली क्रैंक डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि उस क्रैंक की बहुत ज्यादा हालत खराब है। और आप बने रहना दोस्तों वीडियो के अंदर, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उस क्रैंक के अंदर क्या दिक्कत है। देखो उसकी साइड प्ले घुमा भाई, ये देखो ज्यादा प्ले नहीं, बहुत ही ना के बराबर इसमें प्ले है, और प्ले होना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्रैंक को तो चेंज करेंगे। बात जब दोस्तों क्रैंक चेंज करते हैं तो उसके साथ में होते हैं बैरिंग, एक बैरिंग लग कर आता है, दूसरा बैरिंग जो हमें नया डालना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेंडर किट की। देखो ये है इसकी सिलेंडर किट ड्यूक 200 की। चलो फटाफट से खोलो, देखो इसका पार्ट नंबर ये रहा 36JU0007, इसका पार्ट नंबर है। और ये देखो, और दोस्तों कभी भी इसके अंदर ना बोर मत कराना, ये बोर वाली गाड़ियां मतलब नहीं है, बोर पे नहीं चलता ये वाला इंजन। चलो खोलो फटाफट खोलो, ये देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पैक है एकदम, निकालो सिलेंडर किट बाहर। और ये देखो, ये तो ये देखो, ये है सिलेंडर किट, निकालो भाई पिस्टन इसका। ये देखो क्या बात है, ये रहा पिस्टन, ये देख रहे हो, ये देखो ये पिस्टन, ये सिलेंडर किट। तो आपने नहीं देख लिया, चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं इनको फिट, और बीच बीच में हम आपको सारी चीजें दिखाता रहूंगा। तो जैसे कि आपने नए पार्ट देख लिया, दोस्तों सबसे पहले इंजन को फिट करना स्टार्ट करता हूँ। फिट करने से पहले जैसे कि वाटर रंग की सील है चेंज होगी पहले तो, ठीक है, और ये बैरिंग चेंज होगा, ठीक है। तो ये बैरिंग और वाटर रंग की सील सबसे पहले ये काम है चेंज करने का, ठीक है। और जितने भी बैरिंग है उसमें हमने इंजन डाल के रखा हुआ ऑलरेडी, ताकि वो जो वॉशिंग करने का जो ऑल बैरिंग है वो जाम हो जाता है, इसलिए ऑल डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाटर रंग की सील को चेंज करते हैं और बैरिंग को चेंज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वाटर रंग की सील लग गई है, और ये क्रैंक का जो बैरिंग था ये नया डल गया, और देखिए ये रहा पुराना, देख रहे हो ये पुराना बैरिंग है और नया जो लग गया। चलिए दोस्तों अब बिठाते थे गियर बॉक्स को, ठीक है। तो गियर बॉक्स हमने यहाँ पे रखे हो, ठीक है, पूरे पूरे गियर बॉक्स को ढंग से फैला रखा। अब इनको गियर बॉक्स को सेट करते हैं और फिर से यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। यहाँ पे जो गियर बॉक्स है ये कंप्लीट हो गया पूरे, देख सकते हो यहाँ पे आप, जो मैंने इंजन ऑयल भी लगा लिया और सिलेक्टर बैठ चुके हैं, उसकी पिन वगैरह स्प्रिंग वगैरह सब बैठ गए, और यहाँ पे क्रैंक का बैरिंग लग चुका। चलिए तो अब बढ़ाते हैं क्रैंक असेंबली को। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमने मेन चैम्बर की पैकिंग लगा ली है, ये देखिए ये मेन चैम्बर की पैकिंग लगी हुई है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, चैम्बर को बिठाते हैं और उसे करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे जो मेन चैम्बर ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे जो है नट बोल्ट इसके फुल टाइट हो गए, ये देखिए। तो उससे हमें इंजन तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम करते हैं मैग्नेट कैसे रेडी, क्योंकि मैग्नेट में होती है इसकी टाइमिंग और उसको मिलाना बहुत जरूरी है। चलिए मैं सबसे पहले मैग्नेट की जो टाइमिंग की बात कर रहा हूँ उसको मिलाता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं टाइमिंग किस तरीके से मिलाई जाती है, ठीक है। यही छोटी छोटी गलती है जो बहुत से इन पर ध्यान नहीं देते। अगर दोस्तों इंजन बांध रहे हो, इंजन किस तरीके से प्रॉपर फिटिंग होता है, अगर ये आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको समझ आएगा इंजन किस तरीके से बनता है, ठीक है। और ये ऐसी वीडियो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी आपको इस बारे में नहीं बताएगा। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे हमने टाइमिंग मिला ली, ये देखिए, देख रहे हो इस तरीके से आपको टाइमिंग जो मिलानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा टाइमिंग काम होता है कम्प्लीट। अब बढ़ाते हैं इसके सिलेंडर किट को। तो सिलेंडर किट लगा लेते हैं, देखिए जैसे कि आपने देख ली थी नए वाले पार्ट्स ये रखे, तो चलिए फिट करते हैं सिलेंडर किट को। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सिलेंडर किट बैठ गई, हेड असेंबली पूरी कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। उस तो मैं यहाँ पे टाइमिंग से लगाने वाला था और क्लच कोटे का बिठाने वाला था, लेकिन मैंने उससे पहले देखा, ये देखिए आप यहाँ पे जो अपना ये गियर डॉग है ये टूटा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, देख लो क्रैक हुआ है, टूटा हुआ है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, और मुझे लग रहा है इससे पहले भी इंजन एक बार इनका खुला हुआ है, इंजन खुला या कुछ ना कुछ तो काम हुआ जब ये टूटा हुआ है। और ये टूटा क्यों है, कारण क्या है, टूटने का कारण क्या है, क्या रीजन है, वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा इसको। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं और खोलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने गियर डॉग को ओपन कर दिया, ये देख सकते हो ये रहा मेरा हाथ में, और देखिए कितना अच्छा खासा टूटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही मैंने इसको खोला, आप देख सकते हो ये स्प्रिंग है और इसके अंदर एक वार्सर मिसिंग है। तो ये देखिए ये वाली वार्सर कुछ इसमें निकली है और ये वाली वार्सर इसमें नहीं होती है, ये देखिए आप कमेंट कर बताओ ये वार्सर इसमें होती है नहीं, मुझे लग रहा है ये वार्सर नहीं होती, ये नोकल वार्सर है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा ढंग से बैठ नहीं पा रहा होगा इसके अंदर, तो हो सकता है चोट मारी हो, ठीक है। तो पिछली बार खोला है जब ये वार्सर गुम हुई है, इसको चोट मारा हो या कुछ ना कुछ तो करा, जब वो बैठ भी था और से वार्सर भी नहीं मिली। तो यही इसकी सबसे बड़ी मेन दिक्कत थी दोस्तों, ये होता है सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का नतीजा। इन्होंने सेकेंड हैंड बाइक ली थी और कुछ टाइम चलाया और ये गाड़ी में सेम दिक्कत आ गई है, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, ये तो नया लगाएंगे लेकिन इसमें ये नहीं बैठेगा, हमें इसकी वार्सर नहीं मंगानी पड़ेगी। तो चलिए वार्सर को मंगाते हैं और लगाते हैं, और इतना ईजी नहीं है इस वार्सर को मंगाना, क्योंकि ये आइटम बहुत रेयर होते हैं, लेकिन देखते हैं हमारे पास तो मिल ही जाएगी, ठीक है, करते हैं फिट इसको।
तो फाइनली दोस्तों ये फिट कर दिया हमने, यहाँ पे देख सकते हो अभी जो है ये डॉग बैठा है प्रॉपर। ठीक है, पहले क्या हल्का सा ऊपर आ रहा था तो किसी ने चोट मारी थी इसलिए वो अंदर करने के लिए, इसको नीचे करने के लिए, तो यहाँ वो करेक्ट हो गया था, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वार्सल कैसी होती है। दोस्तों ये देखिए वार्सल कुछ इसकी इस तरीके से होती है और कुछ इतनी मोटी होती है। ठीक है, ये वार्सल थी मेरे पास तो मैंने इसमें फिट कर दी और एक ये रखी, और आपको दिखाऊँ इसकी पुरानी वार्सल। ये देखिए ये पुरानी है, ये नहीं है, देखो कितना डिफरेंट है, देख लो। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, ये जो गियर डॉग है प्रॉपर बैठ नहीं पा रहा। ठीक है, अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पे जो इंजन है बाइक में लग चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इंजन कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने डाली ऐसी क्लच असेंबली पूरी नई, जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी जो पुरानी वाली जो क्लच कटोरा बहुत ही ज्यादा कटा हुआ था। ये देखिए दोस्तों, मैंने कटोरे को अच्छी तरह साफ कर लिया था क्योंकि मैं इसको फिट करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको देखी इसकी हालत बहुत ही ज्यादा कटी हुई है। देख सकते हो यहाँ पे क्लच कटोरा पूरा गंदी तरह कटा हुआ है, तो मैंने इसको चेंज करना ही बढ़िया समझा, क्योंकि ये फिर वही दिक्कत आती है गियर शिफ्टिंग की, और फिर क्लच जो प्रॉपर काम नहीं करता, उससे क्या होता है बार बार क्लच पूरा खराब होती है। तो यहाँ पे जब मैंने क्लच हॉजी को पूरी कंप्लीट नहीं डाल दिया, ये पुरानी, और ये क्लच कटोरा, ये देखिए प्रेशर बढ़ गई, हाफ सेंटर वगैरह पड़ा खत्म, देखो प्रेशर बढ़ देखो पूरी खत्म पड़ी, देख लो एकदम भुनी हुई, क्योंकि इसकी क्लच पेट की हालत बहुत ज्यादा हुई थी। तो चलिए अब लगाते हैं यहाँ पे क्लच चैम्बर को, करते हैं इसको फिट। तो यहाँ पे आ चुके मैग्नेट की तरह, आप देख सकते हो जो मैग्नेट है कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेट लगा दिया गरारी दोनों फिट हो गया, देखिए आप। तो अब लगाते हैं इसकी पिकअप कॉइल सेंसर को, ये देखिए ये पिकअप कॉइल सेंसर है, इसको करते हैं फिट और फिर से लगाते हैं यहाँ पे मैग्नेट कवर। फाइनल दोस्तों यहाँ पे जो मैग्नेट का काम होता है कम्प्लीट, अब लगाते हैं सीधा से फ्रंट स्पॉकेट और सीधा लगाते हैं रेडिएटर असेंबली को। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे रेडिएटर लग चुका है और इसमें डाल दिया हमने कूलर, और यहाँ पे जो बाइक को हमने पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको सुनाते हैं बाइक का साउंड, क्योंकि बाइक के इंजन को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा, कई सारे पार्ट जो थे हमारे पास थे नहीं इसके, तो हमें पार्ट को मंगाना पड़ा। चलिए करते हैं बाइक को स्टार्ट, चाबी ऑन होगी, स्किल स्विच ऑन है, अब मारते हैं बाइक में सेल्फ। दोस्तों इस आवाज में मत जाना दोस्तों, यहाँ पे जो है इंजन स्टार्ट हो गया हाफ सेल्फ के अंदर, और करें बात इंजन के साउंड की, दोस्तों इंजन का साउंड को एकदम बढ़िया मक्खन आ रहा है। देखिए दोस्तों आवाज एकदम बढ़िया आ रही है, स्मूथ एकदम साइलेंट, बिल्कुल भी बाइक के अंदर जैसी भी आवाज नहीं है। ठीक है दोस्तों।